मान लो कि एक बंदा है, एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर भी है, वो उसने पूरे साल में 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 4 लाख उसने कमाया लॉन्ग टर्म में और 3 लाख उसने शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कमा लिया, और 1 लाख ही उसने इंट्राडे कर ली। अब उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? अब देखो, अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो सिंपल है। शॉर्ट टर्म में आपके पास 4 लाख × 15% 60,000 हो गया, और उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म 3 लाख था, 1 लाख की एग्जेम्पशन होगी, तो 2 लाख पे आपका 10%, मतलब 20,000 हो गया। टोटल 80,000 तो यहाँ से बन गया। अब आपका मान लो इस केस में आपने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस पूरा दिखा रहे हो, तो इस केस में आपके खर्चे वगैरह भी आपको एग्जेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे आपका बिजनेस इनकम में काउंट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ 1 लाख की इनकम करी, आपके कोई एग्जैक्ट खर्चे थे, जो भी खर्चे थे 20,000 के खर्चे थे, तो 80,000 हो गया। और क्योंकि आपकी इनकम ओब्वियसली 2.5 लाख या 5 लाख से तो ऊपर है ही, 4 लाख और 3 लाख जो हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिस्कस करा, तो अज्यूम करते हैं आप 20% की स्लैब में आते हो, तो आप लगा लो ठीक अस्सी है, हजार पे 20% 16,000, तो टोटल टैक्स आपका 60, 20 प्लस 16, मतलब 96,000 आपका टैक्स बन गया।